स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 2 जून 2014। दोस्तों, जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है, देखा जाए तो तभी से देश के अलग अलग कोनों में कई स्टेट्स को डिवाइड कर एक नए राज्य की मांग बढ़ती जा रही है। फिर चाहे वो कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से पनून कश्मीर की डिमांड हो, महाराष्ट्र से विदर्भ और राजस्थान से मरुस्थान को अलग करने की मांग हो, या फिर यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की डिमांड। दोस्तों, अभी तक होम मिनिस्ट्री के पास अलग स्टेट बनाए जाने की ऐसी 20 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन स्टेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की बात केवल आम लोग ही नहीं बल्कि भारत के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स भी कर रहे हैं। देखा जाए तो कर्नाटक के मिनिस्टर उमेश कट्टी जहां भारत में 50 स्टेट बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं आशीष देशमुख जैसे फॉर्मर बीजेपी मिनिस्टर भारत को 75 स्टेट्स में बांटने की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, इन सब के अलावा गौतम देसीराजू जैसे एजुकेशनिस्ट भी डेवलपमेंट के आधार पर भारत को 75 स्टेट्स में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, जिनका कहना यह है कि भारत जैसे विशाल देश को अगर 75 स्टेट्स में डिवाइड किया गया तो भारत को विकास की नई ऊंचाइयों को छूने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत को सचमुच में ज्यादा स्टेट्स की नीड है? आज भारत में जहां 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या उसको बढ़ाकर 75 स्टेट्स में बदल देना चाहिए? और अगर ऐसा किया गया तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे? स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा, साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS Live Prelims to Interview 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप AN Live कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारत के मौजूदा स्टेट स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं समझ आई तो हम नए स्टेट्स की डिमांड को भी नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस टाइम भारत की टोटल पॉपुलेशन 320 मिलियन थी और आज भारत की लगभग इतनी ही पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है और इसका मतलब ये है कि भारत में विकास का प्रसार सभी क्षेत्रों और वर्गों में बराबर नहीं हो पाया है। हालांकि इसके पीछे कई वजहें हैं लेकिन उसी में से एक बड़ी वजह है गवर्नेंस फेलियर। और दोस्तों, ये गवर्नेंस फेलियर कहीं ना कहीं भारतीय राज्यों के बड़े आकार की वजह से है। देखा जाए तो भारत में जहां 20 स्टेट्स में 49 मिलियन की एवरेज पॉपुलेशन है, वहीं अमेरिका के 50 स्टेट्स में 6.25 मिलियन की ही एवरेज पॉपुलेशन है और यूरोपियन यूनियन में ये 18 मिलियन है। दोस्तों, इंडियन स्टेट्स कितने बड़े हैं आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यूपी के कॉर्नर्स नोएडा और मुगलसराय के बीच की दूरी 900 किलोमीटर के बराबर है। साथ ही उत्तर प्रदेश अगर एक देश होता तो पॉपुलेशन वाइज दुनिया का 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश होता। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी प्रेजेंट में यूपी की पर कैपिटा GDP केन्या के बराबर है। देखा जाए तो कुछ यही हाल तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का भी है। और इतने बड़े स्टेट होने की वजह से गवर्नमेंट के लिए स्टेट के सभी हिस्सों पर ध्यान दे पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, ऐसे स्टेट्स में पुलिस जिसके पास लिमिटेड वर्कफोर्स है, देखा जाए तो उन स्टेट के क्राइम को कंट्रोल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे स्टेट्स में चल रही कई परियोजनाएं जिनका समय समय पर इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है, वो लंबी दूरी और व्यस्तताओं के चलते अधर में लटक जाते हैं। और इसलिए आज भी यूपी का पूर्वांचल हो या बुंदेलखंड या फिर महाराष्ट्र का विदर्भ, दोस्तों ऐसे कई इलाके हैं जो इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से विकास से काफी दूर है। साथ ही बड़े स्टेट होने की वजह से कई ऐसे क्षेत्र जिनके पास अगर खुद का एक राज्य होता तो वे इकोनॉमिकली अपने लिए और देश के लिए ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते। और दोस्तों, आइए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेवेंडर या रोज, दोस्तों ये फूल बड़ी मात्रा में कश्मीर वैली में पाए जाते हैं। देखा जाए तो इन फ्लावर्स के ऑयल की डिमांड इंटरनेशनली काफी ज्यादा होती है और इनका मार्केट प्राइस भी काफी ज्यादा होता है।
सदर्न यूरोप के एक देश बुल्गारिया की इकॉनमी अकेले इन्हीं फूलों के तेल पर चलती है। दोस्तों, अनुमान लगाया जाता है कि अगर कश्मीर के इन फूलों का सही तरीके से इस्तेमाल कर इनका ऑयल निकाला जाए तो इसका प्रोडक्शन पूरे बुल्गारिया के ऑयल प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा होगा। आप इससे समझ सकते हैं कि भारत के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने अंदर एक पूरी इकोनॉमी को समेटे हुए हैं, लेकिन दोस्तों बड़े स्टेट की छत्रछाया में उन्हें वो फंड्स और अटेंशन नहीं मिल पाता जो कि वो डिजर्व करते हैं, और इसीलिए इकोनॉमिस्ट कश्मीर को जम्मू से अलग कर एक अलग स्टेट बनाए जाने की वकालत करते रहे हैं ताकि कश्मीर जो लंबे समय से आतंकवाद से जूझ रहा था वो विकास की धारा में आ सके और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दोस्तों, इन कारणों के अलावा भारत के कई स्टेट्स के अंदर भी अपने लिए एक अलग स्टेट की मांग उठती रहती है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि वो स्टेट्स कौन से हैं और वो एक अलग स्टेट की डिमांड क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटक में लंबे समय से उमेश कट्टी जैसे मिनिस्टर्स द्वारा नॉर्थ कर्नाटक को दक्षिण कर्नाटक से अलग करने की मांग उठ रही है। वहीं राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट जिसमें रेगिस्तान मौजूद है, वो हिस्सा राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट से विकास में काफी पिछड़ा है और 1950s के बाद से ही इसको मरुस्थान के रूप में एक अलग स्टेट बनाने की मांग की जा रही है। साथ ही महाराष्ट्र का विदर्भ, जिसका एग्जांपल हमने आपको वीडियो के शुरुआत में भी दिया, और देखा जाए तो विदर्भ रीजन को अलग स्टेट बनाए जाने की मांग बाबा साहब आम्बेडकर भी करते रहे हैं। दोस्तों, विदर्भ लंबे समय से सूखा प्रभावित क्षेत्र रहा है और देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं में भी विदर्भ का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, अमरावती जो विदर्भ रीजन में ही आता है, वहाँ से राजधानी मुंबई तक की डिस्टेंस लगभग 700 किलोमीटर के बराबर है, जिसके चलते ये क्षेत्र महाराष्ट्र की विकास धारा से नहीं जुड़ पाया है। दोस्तों, इन सब के अलावा असम में बोडोलैंड और बराक घाटी को राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। साथ ही कर्नाटक में कुर्ग, बघेलखंड जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं, आंध्र प्रदेश में रायलसीमा, गुजरात में सौराष्ट्र, झारखंड और बिहार के जिलों से मिथिला और जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए एक विशेष एनक्लेव के रूप में पनून कश्मीर जैसे क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग उठ रही है। दोस्तों, गौतम देसी राजू जैसे शिक्षाविद जो स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर सी राजगोपालाचारी के ग्रैंडसन हैं, भारत को 75 राज्यों में पुनर्गठित यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट करने का प्रस्ताव पेश करते हैं। साथ ही वो भारत के मौजूदा स्टेट स्ट्रक्चर को ब्रिटिशर्स द्वारा अपनी सहूलियत के अनुसार थोपा गया सिस्टम बताते हैं और उनके मुताबिक भारत को लैंग्वेज, कल्चर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ग्लोरियस हिस्ट्री के आधार पर स्टेट में डिवाइड किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत को अगर 28 की जगह 75 या फिर इससे ज्यादा स्टेट्स में बांट दिया जाता है तो ये भारत के लिए फायदेमंद कैसे होगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टेट को छोटा करने से सबसे बड़ा बदलाव उसकी स्टेट इकोनॉमी में देखने को मिल जाता है। साथ ही एरिया और पॉपुलेशन की कमी की वजह से स्टेट की इकोनॉमी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी और इसका एग्जांपल हम छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे स्टेट्स में देख सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों स्टेट्स ने अपने 10th 5-year प्लान में MP और बिहार से अच्छा परफॉर्म किया था और इसके कई प्रमाण मौजूद हैं कि छोटे राज्य बड़े राज्यों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता यानी कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजिनिटी के आधार पर स्टेट को बांटने से गवर्नमेंट को शासन करने में आसानी होती है। समाज के लोगों में सेम इंटरेस्ट होने की वजह से गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में आसानी होती है। साथ ही छोटे छोटे स्टेट्स पावर को डिसेंट्रलाइज कर वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। देखा जाए तो पावर जो सिर्फ सेंटर तक ही सीमित होती है वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाती है, जिससे छोटे राज्यों को भी विकास का भरपूर मौका मिलता है और दोस्तों स्टेट्स में फंड का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो पाता है। देखा जाए तो इन सब के अलावा कम बजट में भी छोटे स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और इसकी वजह यह है कि लिमिटेड एरिया होने की वजह से फंड्स की अकाउंटेबिलिटी तय होती है, जिससे करप्शन के स्कोप कम बचते हैं। साथ ही गुड गवर्नेंस के लिए लेसर गवर्नमेंट और क्विकर गवर्नमेंट की जरूरत होती है, जो सिर्फ छोटे स्टेट्स में ही पॉसिबल हो पाता है। दोस्तों, सब के अलावा छोटे स्टेट्स में लोकल नीड्स और डिमांड्स को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही इनमें लोगों के अंदर अपने समाज और वर्ग को ऊपर उठाने का जज्बा होता है, देखा जाए तो वो ज्यादा लगन से काम करते हैं। और दोस्तों, अगर इसी तरीके से भारत के सभी स्टेट्स वर्क करेंगे तो ओवरऑल भारत को इसका फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, आइए इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में इतने सारे स्टेट्स होने के अपने कोई नुकसान नहीं होंगे। देखा जाए तो कई इंटेलेक्चुअल्स भारत में ज्यादा स्टेट्स होने का विरोध भी करते हैं और जैसा कि हम आए दिन सेंटर और स्टेट के बीच टसल को भी देखते रहते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल जैसे कई नॉन बीजेपी स्टेट्स सेंटर पर उनके साथ किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, वो चाहे पॉलिसीज का ग्राउंड पर ना आने से हो या फिर फंड्स के ना प्रोवाइड किए जाने से हो। ऐसे में दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि नए स्टेट्स का फॉर्मेशन कहीं न कहीं इस टसल को और बढ़ा देगा। साथ ही कुछ लोगों का मानना यह भी है कि
स्मॉलर स्टेट्स के होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्टेट्स अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। और दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य गवर्नेंस में कई छोटे राज्यों से अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखा जाए तो छोटे स्टेट्स का फॉर्मेशन मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की गारंटी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी स्थिति में पावर कुछ चंद ही लोगों के हाथों में सिमट के रह जाती है। और छोटे स्टेट्स के मामले में जो ये बात कही जाती है कि छोटे स्टेट जल्दी और बेहतर तरीके से समस्याओं को सुलझाते हैं, और ये ओपिनियन भी अभी के लिए गलत साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में आए फ्लड को हैंडल किया गया है वो हम देख सकते हैं। दोस्तों इन सब के अलावा प्रेजेंट टाइम में मणिपुर में महीनों से जो हिंसा चल रही है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में देखा जाए तो छोटे स्टेट्स बनाने से प्रमुख जातियों यानी कि रिलीजियंस का आधिपत्य होने का खतरा भी हो सकता है, जो कि बड़ी संख्या में कास्टिसिज्म या फिर कम्युनलिज्म को जन्म दे सकता है। साथ ही छोटे स्टेट्स रीजनलिज्म जैसी बड़ी समस्या को भी जन्म दे सकते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो भारत ऑलरेडी रीजनलिज्म से लड़ता आया है, और छोटे स्टेट का फॉर्मेशन इस आग में घी डालने का काम कर सकता है। ऐसे में अगर इसी तरीके से स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जाने लगा तो कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, और इसीलिए भारत को कई स्टेट में बांटना कहीं सरकार के लिए सरदर्द न बन जाए ये भी एक बड़ा कंसर्न है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए आज भारत में कई स्टेट्स वाकई में अपनी क्षमता से काफी बड़े हैं, और इसी की वजह से इन राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं जो डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं आ पाए हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को एक बार फिर से स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि SRC का गठन करना चाहिए, ताकि भारत में जेन्युइनली उन नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जा सके जो अपने साथ साथ भारत की भी ओवरऑल ग्रोथ में पावर इंजन लगा देने की कुवत रखते हो। लेकिन दोस्तों SRC को नए स्टेट फॉर्मेशन के वक्त ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि नया स्टेट किसी अलगावादी विचारधारा यानी कि सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित ना हो, और नए स्टेट्स के फॉर्मेशन से भारत की सॉवरेंटी पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही एक लिमिटेड मात्रा में ही नए स्टेट को बनाया जाना चाहिए। दोस्तों अगर भारत में 28 की जगह 50 स्टेट्स भी होंगे तब भी वर्क एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखा जाए तो 50 से ज्यादा स्टेट्स कहीं ना कहीं अभी सेंटर के लिए सिरदर्द बन जाएंगे। ऐसे में सेंटर को अचानक से 75 स्टेट्स डिक्लेयर करने की बजाय धीरे धीरे स्मॉल टाइम इंटरवल्स में सिस्टमेटिकली स्टेट्स का डिविजन करना चाहिए। देखा जाए तो भारत दुनिया की उभरती हुई शक्ति है, भविष्य में भारत विश्व गुरु के रूप में सामने आएगा, और इसके लिए भारत को इकोनॉमिकली और स्ट्रक्चरली मजबूत होना पड़ेगा। साथ ही भारत को ब्रिटिश तरीकों को छोड़कर प्रेजेंट टाइम की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर फिक्स्ड चेंजेस लाने होंगे, ताकि भारत आने वाले समय में बाकी देशों से भी कम्पीट कर सके। दोस्तों बारी है आज के सवाल की। आपको ये बताना है कि भारत को 50, 75 या फिर 100 यानी कि कितने राज्यों में बांटना सही रहेगा, या फिर प्रेजेंट टाइम में भारत की जो स्थिति है वही ठीक है। आप किस मुद्दे पर राय क्या है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।